नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। दोस्तों, 21 अगस्त 2023 श्रावण माह के 7वें सोमवार के दिन जिस दिन पड़ रही है नाग पंचमी, उस दिन शिवलिंग से उठा लाना यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 21 अगस्त 2023 को श्रावण माह का 7वां सोमवार का दिन पड़ रहा है और आपकी जानकारी के लिए बता दें इसी दिन नागपंचमी का शुभ दिन पड़ रहा है। इस दिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। परंतु यदि शिव पुराण के अनुसार आप शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और विधि विधान से अपने घर पर स्थापित कर देते हैं तो न केवल इस चीज को लाने के पश्चात आपको अपने जन्म जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से हाथ हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से जॉब की तैयारी कर रहे थे, आपकी जॉब लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, श्रावण का माह भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और इस माह जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ जी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर सदा सदैव बनी रहे तो जाइए कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, देवों के देव महादेव जी एक ऐसे भगवान है कि हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, दानव हो या कोई भी हो। यहां तक कि शिव पुराण में तो लिखा हुआ है कि पशु और पक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। एक बात को समझ लीजिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा और भक्ति हर जगह हुई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक उनकी भक्ति और महिमा गाई जाती रहेगी। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों का केवल कल्याण चाहते हैं और आपने देख होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें जैसे श्रावण का माह अपने आप में एक विशेष और खास महत्व रखता है, उसी प्रकार से श्रावण माह में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। हमारे सनातन धर्म में इसलिए आपने देखा भी होगा कि जैसे ही श्रावण के सोमवार का व्रत आता है लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में इस व्रत को रखते हैं। और दोस्त, तो 21 अगस्त 2023 को श्रावण माह का 7वां सोमवार का दिन है और इस दिन नाग पंचमी का पावन दिन पड़ रहा है और शिव पुराण के अनुसार यदि आप लोग इस दिन व्रत रख रहे हैं और अपने व्रत के साथ कुछ उपाय कर लें जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो न केवल एक ही दिन की पूजा पाठ और व्रत के पश्चात आपको आपके मनोकामना पूरी होते हुए दिखेगी बल्कि आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। और दोस्तों, क्योंकि 21 अगस्त 2023 को नागपंचमी पड़ रही है और इस दिन चतुर्योगी योग बन रहे हैं, इस दिन यदि आपने व्रत रख लिया तो मान के चलिए आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। और मान लीजिए 21 अगस्त 2023 के दिन व्रत नहीं कर पाते हैं और शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें शिवलिंग से उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो ना केवल इस चीज को लाने के पश्चात आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, बल्कि आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ना केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के भले के लिए देखेगा। दोस्तों, इस वीडियो हमने दो भागों में बांटा है। पहले हम आपको बताएंगे कि यदि आप 21 अगस्त 2023 श्रावण माह के साथ वे सोमवार नागपंचमी के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो शिव पुराण के अध्ययन नंबर 84 के हिसाब से आपको कौन सी छोटे छोटे उपाय अपने व्रत के साथ कर सकते हैं जिसके पश्चात आपको आपके व्रत का पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा।
भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। दूसरी तरफ हम बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग सेवा कौन सी गुप्ता चीज आपको उठा करके लानी है और अपने घर पर कहां पर स्थापित करनी है, जिसके पश्चात आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों 21 अगस्त 23 जिस दिन नाग पंचमी पड़ रही है, इस दिन कई तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन का यदि आप फायदा उठाते तो मान के चलिए आपके जीवन की कई प्रकार की जो समस्याएं होंगी उनसे आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी और महादेव जी के आपको कृपा भी मिलेगी। इसके लिए आप चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे। महादेव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। और यदि भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय अपने व्रत के साथ कर सकते हैं, जिन उपायों को करने के पश्चात आपको आपका व्रत के पलट करके करोड़ों गुना लाभ भी मिलेगा और आपकी कोई मनोकामना हो वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताना रहे वो धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति का महा उपाय मान लीजिए। आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आप आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आपका व्यापार ठप पड़ गया है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और ये उपाय एक दिन यदि आप करते हैं तो न केवल आपको आपके आर्थिक कष्ट आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको क्या करना, 21 अगस्त 2023 के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, व्रत रखना और सफेद कपड़े पहने, सफेद कपड़े भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी पूजा पहना जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें 108 की संख्या में चावल डालना है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग के पास उत्तर की तरफ करना है और इसी एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। अब यहीं पर दोस्तों आपको 108 बार भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलना है, बीज मंत्र जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, श्री शिवाय नमस्तु भैया। इस बीज मंत्र का जाप 108 बार बोलिए। केवल इतना उपाय यदि आपने श्रावण के इस सातवें सोमवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए न केवल आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बता जा रहे हैं दोस्तों वो एक ऐसा उपाय है जिससे आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार हैं, आपकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं बीमारी में परंतु आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, केवल 21 अगस्त के दिन आप लोगों को नहाना या धोना है, सफेद कपड़े पहने अपने घर पर 11 रोटियां बनानी है। इस 11 रोटी को किसी भी नदी या बैल को खिला दीजिए, केवल इतना उपाय करना है। देखिए नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन है और माना जाता है नंदी जी बुद्धि और बल के प्रतीक होते हैं और नाग पंचमी के दिन कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी नंदी को किसी भी बैल को 11 रोटी खिला दे तो उस व्यक्ति को उसकी बीमारी से मुक्त मिल जाती है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चाहते हैं आप लोग दोस्तों हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, आपके घर का कल्याण हो, महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है, 21 अगस्त 2023 के दिन आपको नहाना धोना है, सफेद कपड़े पहने एक लोटा शुद्ध गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में 20, 25, 30, 40 रुपए का आपको आराम से मिल जाएगा। आपको उसमें डालना, थोड़ी सी भाषा में डालिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए और इसी से शिवलिंग अभिषेक आपको करना है। केवल इतना उपाय यदि आप कर लेंगे तो आपके घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा और आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही विकास करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर साध्वी दोस्तों हैं, मंगल दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, बहुत तंग आ गए अपने दोष की वजह से, अपने दुर्भाग्य की वजह से, तो आपको क्या करना है, केवल 21 अगस्त के दिन जिस दिन नाग पंचमी है
इस दिन आप लोगों को नहाना धोना, सफेद कपड़े पहने एक लोटा शुद्ध जल लीजिए और एक सफेद कपड़े में दो लोटा चावल लीजिए। इस सफेद कपड़े की बना लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। एक लोटे जल से पहले आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। ये दो लोटे चावल का दान मंदिर के पुजारी को कर देना। केवल इतना यदि आपने कर लिया, आपके ऊपर जो भी दोषी होगा उसका प्रकोप पूरे साल लगभग लगभग ना के बराबर रहेगा, आपका दुर्भाग्य से दूर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। इसी प्रकार से मान लिया जाए आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ये महाउपाय कर लीजिएगा। 21 अगस्त के दिन एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको लेना है केवल 211 बेलपत्र और लाल चंदन, आपको नहाना धोना, सफेद कपड़े पहने भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना। सबसे पहले बेलपत्र पर आप लोगों को लाल चंदन से बेलपत्र को आपको अर्पित करना है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात 108 बार या तो AUM नमः शिवाय बोलिए बोलिए। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है और 11 बेलपत्र अर्पित करने के पश्चात आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने 21 अगस्त 2023 के दिन लिया, एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये प्राचीन काल के समय का सबसे ताकतवर उपाय है। जो उपाय यदि आप एक नाग पंचमी के दिन काले श्रावण के माह में, तो ये उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने हर महादेव नहीं लिखा है, तुरंत ही जाकर के लिख दीजिए। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि वो कौन से उपाय आप अपने व्रत के साथ कर सकते हैं। जिन उपायों को आप अपने व्रत के साथ नाग पंचमी के दिन करें तो आपको आपके व्रत का पलट करके करोड़ों गुना लाभ भी मिलेगा और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार ऐसी चीजें हैं जो शिवलिंग आप उठा करके ला सकते हैं और अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। जिन चीजों को जैसे ही आप अपने घर पर स्थापित करेंगे, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और आप ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। परंतु आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम आपको बता नहीं रहे हैं वो है नाग नागिन का जोड़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, नाग और नागिन का जोड़ा किसी भी पूजा घर में आपको पीतल का भी मिल जाएगा, आपको स्टील का भी मिल जाएगा। आपको ये है, आपको एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर जब जाएगा तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, सफेद कपड़े अपने पहने हो। अब आपको एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अब इसी नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग से छुड़ाना है और अपने घर के मुख्य द्वार के पास कहीं भी रख देना। केवल इतना उपाय यदि आपने कर दिया 21 अगस्त के दिन, तो मान के चलिए भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी। आपके घर पर जो भी संकट आने वाले होंगे तो कभी भी आपके घर पर नहीं आएंगे। दूसरा देखिए, रुद्राक्ष के बारे में हर व्यक्ति जानता है, परंतु आप ये बात नहीं जानते होंगे कि रुद्राक्ष जो है वो भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुए थे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपको किसी भी प्रकार के रोग और शोक का भय ना रहे, कभी भी कोई बीमारी छू भी ना पाए, तो आपको क्या करना है, केवल आपको एक रुद्राक्ष खरीदनी है। 21 अगस्त के दिन एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के पश्चात इस रुद्राक्ष को आपको शिवलिंग से छुड़ाना है और अपने घर के पूजा घर पर रख देना। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी, आपके ऊपर कोई भी संकट या बीमारी का कोई असर नहीं होगा और पाने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, तो आपको क्या करना है, 21 अगस्त के दिन आपको नहाना धोना या सफेद कपड़े पहने एक लूटा शुद्ध जल लेना है। किसी भी पूजा करते एक छोटा सा डमरू कर लीजिएगा और इसी को लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। पहले शिवलिंग का अभिषेक एक लोटे जल से कर दीजिए और ये डमरू को शिवलिंग से आपको छुआना और लाकर के अपने पूजा घर पर स्थापित कर देना। और आपको प्रत्येक सोमवार को इसी को थोड़ी थोड़ी सी धूप दिखानी है। केवल इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो मान के चलिए महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना भी शुरू हो जाएगा और दाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। डमरू जो होता है वो भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र है और इस तरीके से अपने उपाय कर लिया जैसे आपको बताया है, तो
तो मान के चलिए महादेव जी की कृपा से फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।